माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। हम सब सुख चाहते, उस सुख कैसे मिलेगा? सबके अलग अलग विचार है, मुंडे मतिर भिन्न। कोई सोचता है कि साहब डिस्को में जाने से सुख मिलेगा, कोई सोचता है कि स्वामी जी के प्रवचन में आने से सुख मिलेगा। अब विचार सबकी अलग अलग है, लेकिन खोज सबकी सुख की ही है। अब कहीं ना कहीं हम सोचने लग जाएंगे, यहां पे सुख है, तो मन का अटैचमेंट हो जाएगा। और जब अटैचमेंट हुआ तो कामना होगी, और कामना की पूर्ति पर लोभ आएगा, अपूर्ति पर क्रोध आएगा। तो इन सब बीमारियों से हम कैसे बचे? फिर सुख मानने का स्वभाव ये हमारी आत्मा का है। हमारी आत्मा सुख चाहती, क्योंकि वो आनंद सिंधु भगवान की अंश। इसलिए आप कहें भी सुख मत चाहो, आत्मा कहती है तो हो ही नहीं सकता। हम सब सुख चाहते, उस सुख कैसे मिलेगा? सबके अलग अलग विचार है, मुंडे मतिर भिन्न। कोई सोचता है कि साहब डिस्को में जाने से सुख मिलेगा, कोई सोचता है कि स्वामी जी के प्रवचन में आने से सुख मिलेगा। अब विचार सबकी अलग अलग है, लेकिन खोज सबकी सुख की ही है। तो सुख चाहने की इच्छा कभी भी नहीं जाएगी, न भगवान उसको मिटा सकेंगे, न काल न कर्म। अब कहीं ना कहीं हम सोचने लग जाएंगे, यहां पे सुख है, तो मन का अटैचमेंट हो जाएगा। और जब अटैचमेंट हुआ तो कामना होगी, और कामना की पूर्ति पर लोभ आएगा, अपूर्ति पर क्रोध आएगा। तो इन सब बीमारियों से हम कैसे बचे? फिर इतना आसान नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई काम छोड़ दो, कामनाओं को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो। क्यों जी, ये क्रोध कोई माला है कि इसको उठा के रख दे? छोड़ दिया। कैसे छोड़ेंगे क्रोध को, कैसे छोड़ेंगे लोभ को? आप यदि हरिद्वार जाएं तो ढेर सारे आश्रम है ना, कुछ बाबा लोग वो अपने आश्रम में रजिस्टर रखते हैं। आप जाते हैं वहां पर तो कहते हैं, भाई देखो तुम आए हो इतनी दूर से, टाटा नगर से हरिद्वार आए हो, कुछ छोड़ो। उनका मतलब है कोई व्यसन आदि छोड़ो और साइन कर दो हमारे रजिस्टर पर। लोग कहते हैं, भाई मैं तो ऐसे ही हरिद्वार घूमने आया था, बाबा जी कह रहे हैं कुछ छोड़ो, क्या छोड़ो? तो ठीक है, मुझे करेला पसंद नहीं है, मैं करेला छोड़ देता हूं। ऐसे ही कुछ भोले भाले लोग कुछ कहते हैं, अरे भाई करेले को मत छोड़ो, करेला तो स्वास्थ्यवर्धक है, छोड़ना है तो हरिद्वार को छोड़ दो, अब दोबारा मत आना यहां पे। दूसरे लोग कहते हैं, ऐसे ही भोले भाले लोग वो रजिस्टर में लिख देते हैं, आज से मैंने लोभ छोड़ दिया, साइन कर दी। तो ऐसे साइन करने से जाएगा क्या? जब तक आनंद की इच्छा है, वो हम आज जरूर सुख का चिंतन करेंगे। और जहां सुख का चिंतन हुआ, आसक्ति होकर रहेगी, तो ये काम क्रोध लोभ कहां से जाएंगे?
घबराने की बात नहीं है। इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने ही किया, बड़ा सरल। भागवत में एक तो अर्जुन गीता है जो श्री कृष्ण अर्जुन को गीत सुनाए, भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव को सुनाए, तो ये उद्धव गीता। वे कहते हैं उद्धव, विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। तुमने बार बार संसार के विषयों में सुख माना तो तुम्हारी वहां आसक्ति हो गई, अब मुझ में श्री कृष्ण में बार बार सुख मानो। वे आनंद सिंधु हैं, वे कामदेव को भी आकर्षित करने वाले हैं, करुणा वरुणालय है, उनमें सुख का चिंतन करो तो श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी। जैसे संसार में हुई थी बस उसको आपने भगवान की तरफ घुमा दिया, श्री कृष्ण ही मेरे हैं। अब जब श्री कृष्ण में आसक्ति हो गई तो किसकी कामना पैदा होगी? भगवान की कामना पैदा होगी। जहां आसक्ति है उसी की काम, वही सिर में मंडराएंगे, उन्हीं का स्वप्न आएगा। अब श्री कृष्ण की कामना पैदा होगी, भगवान की कामना मन को गंदा नहीं करेगी, शुद्ध कर देगी। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यो ज्यो डूबे श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होय। ये एक संत ने कहा कि लोग समझते नहीं है, श्री कृष्ण का रंग तो सांवला है ना, लेकिन जैसे उनका रंग अंतःकरण पर पड़ता है तो अंतःकरण और उज्ज्वल हो जाता। जितना भगवान में अटैचमेंट होगा, पवम परम पवित्र में, उतना मन हमारा पवित्र होता जाएगा। तो वो ही चिंतन शक्ति को हमें भगवान की ओर घुमाना है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी YouTube चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।